हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के समान डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ना बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है, ये वाला मेटा सर्विस, मेटा सर्विस पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समान डेटा ये भी जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि इंटरनेट को चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड में सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको नीचे की साइड में सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है, यहां पर इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।